जय हिंद साथियों, आप सभी का करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है, जहां पे आज हम लोग सुपर टिट स्पेशल 30 करंट और विविध की सीरीज पढ़ रहे हैं। प्रतिदिन सुबह 6 बजे इलनी बुद्रगेश के YouTube चैनल पर आप सभी के लिए निःशुल्क लाइव सीरीज आ जाती है, जहां पे हम करंट अफेयर विविध के महत्वपूर्ण प्रश्न बैंक को पढ़ते हैं, जहाँ से आपकी परीक्षा के 30 प्रश्न आने हैं। माने सुबह सुबह 30 प्रश्नों की तैयारी, माने सुबह सुबह हमें क्या करना है, 30 अंकों की तैयारी करनी है, 30 प्रश्नों की तैयारी करनी है। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है। यू गवर्नमेंट माने यू गोव खुदरा रैंकिंग 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन है। तो आज जो है करंट की जो है 20 अक्टूबर पढ़ेंगे, कौन सी 20 अक्टूबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट के सवाल, फिर उसके बाद हम लोग विविध पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने है, आपको दिख भी रहा होगा, तो जल्दी जल्दी वीडियो को फटाफट शेयर करिएगा अपने सभी साथी मित्रों को। जी हाँ, यू गवर्नमेंट की खुदरा रैंकिंग 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा। जी हाँ, अमेजॉन की पैंट्री, फ्यूचर रिटेल का बिग बाजार, सुपरमार्केट चेन डीमार्ट, ग्रोसरी बिग बास्केट। जी हाँ, यहाँ सवाल अगर परीक्षा में आएगा तो गलती नहीं होना चाहिए, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा अगर आप सरकारी शिक्षक बनने के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि केवल शिक्षकों के लिए ही वीडियो बनाई जा रही है। अमेजॉन की पैंट्री, जी हाँ, यहाँ पे क्या होगा, अमेजॉन की पैंट्री, ए वालों के जवाब पूरी तरह से सही हैं। हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, अक्टूबर 2021 में किसको सुपर कोरोना वायरस से सम्मानित किया गया। देखिए क्लास खत्म होने के बाद इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर और ई-लर्निंग विद दुर्गेश कर ऐप पर मिल जाएगी। बताइए, अमित शाह, BS येदुरप्पा, अरविंद केजरीवाल, योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो है BS येदुरप्पा, माने बी वालों के जवाब पूरी तरह से सही हैं। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है, माने अक्टूबर 2021 में सुपर कोरोना वायरस का नाम से सम्मानित किया गया BS येदुरप्पा को। बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, अक्टूबर 2021 में किन दो देशों ने पहली बार आवासीय रूप से समुद्री संवाद आयोजित किया। भारत, ब्रिटेन, श्रीलंका, ए और बी दोनों। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए अक्टूबर 2021 में किन दो देशों ने पहली बार आवासीय रूप से समुद्री संवाद आयोजित किया। जी हाँ, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी फटाफट कमेंट करिएगा और ये क्लास प्रतिदिन सुबह 6 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव आपके लिए आ जाती है। जी हाँ, सुबह के 6 बजे, बाकी पूरे दिन इसकी क्लासेज चल रही सुपर टेट की। 7 बजे क्लासेज हैं, 8 बजे क्लासेज हैं, शाम के 4 बजे संस्कृत है, फिर 7 बजे आपके गणित की सीरीज है, जिसको देखना ना भूलेगा आप लोग। यहाँ पर ए और बी दोनों है। जी हाँ, ए और बी दोनों है। अगर आपको गणित से डर लगता है तो प्रतिदिन शाम 7 बजे गणित की सीरीज ई लर्निंग विद दुर्गेश पर मेरे द्वारा आपके लिए निःशुल्क लाइव चल रही है। आइए आगे देखते हैं, अगला सवाल है आपके सामने। कह रहा है कि नवंबर 2021 में आयोजित होने वाले 75 लोकतांत्रिक देशों के जनरल नेक्स्ट नेताओं की मेजबानी कौन सा देश है। नेक्स्ट नेताओं के जो मेजबानी कौन सा देश करेगा, भारत, भूटान, श्रीलंका, जापान। जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वह है आपका भारत। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर ए दिया है, इसका मतलब है जवाब पूरी तरह से सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अक्टूबर 2021 में ज्वाइंट सी 2021 नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया। रूस जापान, रूस भारत, रूस दक्षिण कोरिया, रूस चीन। फटाफट कमेंट करके बताइए मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं। जी हाँ, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर है आपका चीन और रूस के बीच। जी हाँ, अक्टूबर 2021 में ज्वाइंट सी 2021 नौसैनिक अभ्यास रूस और चीन के मध्य आयोजित किया गया। हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसी क्लास लेकर आऊँ, इसकी जो PDF है वो भी आपको मिल जाएगी। देखिए, मॉडल टेस्ट पेपर के लिए आप लोग इस पर क्लिक कर ई-लर्निंग विद दुर्गेश से ऐप से सीधे जुड़ सकते हैं और यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश है। AIMFI म्यूचुअल फंड एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। अमिताभ अग्निहोत्री, बाल सुब्रह्मण्यन, राधिका गुप्ता, केशव कुमार। जी हाँ, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपका, आपने इस प्रश्न का जवाब क्या दिया, बाल सुब्रह्मण्यन। जी हाँ, बी वालों के इस प्रश्न के जवाब पूरी तरह से सही और राइट हैं। हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, आप सभी लोग ध्यान रहे, ये करंट अफेयर विविध की सीरीज है और घर बैठे नोट्स प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स और ऑनलाइन क्लास संबंधित जानकारी ले सकते हैं। ये क्लास मेरे द्वारा निःशुल्क देशित में राष्ट्रित में आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। ये क्लास जौनपुर जनपद के सिराज हिंद से आप सभी के लिए लाइव चलती है। जी हाँ, अब बताइए अगला है, प्रेमियो प्लैनेटा साहित्य पुरस्कार किसने जीता। जॉर्ज डियाज, एंटोनियो मशेरी,
कैमरून मोला इनमें से कोई नहीं। बताइए आपने इस प्रश्न का उत्तर क्या दिया। जी हाँ, कैमरून मोला माने सी वालों के जवाब पूरी तरह से सही। क्या होगा? कैमरून मोला। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके सामने, अक्टूबर 2021 में भारत का भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र किसने लॉन्च किया? रक्षा मंत्रालय, नीति आयोग, भूस्खलन आयोग, ए और सी दोनों। बताइए आपके हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जी हाँ, आप लोगों ने सही जवाब दिया है इस प्रश्न का, एकदम राइट आंसर है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर है नीति आयोग। बी वालों के जवाब पूरी तरह से सही है। अब जरा नीति का फुल फॉर्म क्या होगा कमेंट करके जवाब दीजिए आप लोग। इसकी स्थापना कब हुई थी और ये कैसी संस्था है, संवैधानिक संस्था है कि गैर संवैधानिक संस्था है, ये भी आपके परीक्षा में पूछा जाता है। इसका पुराना नाम क्या है, इतने प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, न्यू कमांडेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ 2021 किसने लॉन्च किया? राजनाथ सिंह, अमित शाह, अनुराग ठाकुर, ज्योतिरादित्य सिंधिया। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जी हाँ, नवल कमांडर कॉन्फ्रेंस ऑफ 2021 राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया। ए वालों का जवाब पूरी तरह से सही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग घर बैठे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पर। जी हाँ, मेरी क्लास निःशुल्क है, लेकिन अभी लेनी बुद्रिया के ऑफिस के नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमार। चलिए अगला आपके सामने सवाल है, हरमनी इंडिया अवार्ड 2021 में किसे सम्मानित किया गया? वीर मुंशी, कैलाश मेहरा, आरिफ अहमद, इनमें से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ, यहाँ पर याद रहे इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है आपका वीर मुंशी। ए वालों का पूरी तरह से सही जवाब। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर ए दिया है, इसका मतलब आपके जवाब पूरी तरह से सही है। देखिए बाकी आप यहाँ पे क्लास से संबंधित जानकारी आप ले सकते हैं घर बैठे, जहाँ पर आपके सी टेट के क्लास नोट्स उपलब्ध हैं, यूपी टेट के अगर आपके आसपास कोई हो, अगर आप सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं उसकी भी नोट्स यहाँ पर उपलब्ध है। ठीक है, आप घर बैठे सब प्राप्त कर सकते हैं। नंबर यहाँ पर दिया गया है, ये जौनपुर जनपद से है, और हाँ आपके घर तक नोट्स उपलब्ध हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, कुछ विविध के तत्व भी पढ़ लेते हैं। जी हाँ, करंट अफेयर में विविध विविध भी आपके सिलेबस में है, आपके लिए है, तो हम इसको भी चर्चा करते चलते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। पहला है शून्यकाल किसका विविध, जो विवेकाधिकार होता है तो ये स्पीकर का होता है, जिसे हम लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं, लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। ये किसके सामने शपथ लेता है? किसी के सामने शपथ ग्रहण नहीं कर सकता। शून्यकाल किसकी देन है? तो ये ब्रिटेन की देन है। किसकी देन है? ये ब्रिटेन की, सॉरी शून्यकाल भारत की देन है, ये भारत की देन है, भारत की देन है। अच्छा ये बताइए, शून्यकाल का समय कब से कब है? हाँ आप लोग जरा बताइए कमेंट करके। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि शून्यकाल का समय कब से लेकर कब तक होता है, संसद के किस समय को शून्यकाल के नाम से जानते हैं? जल्दी कमेंट करिएगा, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। सभी साथी जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता किसकी प्रमुख देन है? लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता किस किस को प्रमुखता देने की है? नागरिकों को। किसको है? नागरिकों को। किसे है? नागरिकों को है। ठीक है चलते हैं। आप लोगों ने क्या वीडियो को शेयर कर दिया है? अगर आपने वीडियो को शेयर कर दिया है तो थैंक यू। ठीक है, और टेलीग्राम पर जुड़िएगा दुर्गेश सर सर्च करके, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, दुर्गेश सर सर्च करके, ई लर्निंग भी दुर्गेश पर। सरकारी संपत्ति को नष्ट करना क्या है? ये नागरिक कर्तव्य है। मतलब हमें, इसका मतलब ये है, हमें सरकारी संपत्तियों को नष्ट नहीं करना चाहिए। मूल कर्तव्य कहाँ पर है? ये आपके भाग चार कौ में। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 51 कौ में है, और इसमें कुल 11 सेक्शन है। पहले 10 थे, बाद में 6वें संविधान संशोधन 2002 में एक और जोड़ दिया गया। ठीक है, ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर सोवियत संघ रूस से लिया गया था। ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, इसे हम 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा एडॉप्ट किए हैं। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा।
भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का मतलब क्या है? प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का जो समय होता है हम उसे शून्यकाल का नाम से जानते हैं। प्रश्नकाल का समय कब से कब तक होता है, इसका समय क्या है? कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके आप लोग जवाब दीजिएगा कि जो प्रश्नकाल का समय कब से कब है, शून्यकाल का समय कब से कब तक है। ये विविध है और हम विविध में जीएसजी की एक ऐसी सीरीज पढ़ा देंगे कि परीक्षा में आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। अगर यहाँ से प्रश्न आए तो कतई आप गलत नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित करेंगे। स्क्रीनशॉट चाहें तो कर लो, वैसे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। यहाँ पर है एकल स्थानांतरण। एकल स्थानांतरण मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्ति क्या कर सकता है, व्यक्त कर सकता है क्या? इतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी, मैंने सभी विकल्प रहते हैं। एकल स्थानांतरण मतदान पद्धति में हर मतदाता इतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं को क्या कर सकता, भर सकता है। तो ये बात याद रखिएगा। संसद और संविधान साधन किसके, आर्थिक न्याय के। संसद और संविधान क्या है, साधन है आर्थिक न्याय के। ये परीक्षा में सवाल आते हैं, अगर ऐसे सवाल आ जाए तुरंत आप इसको टिक कर दीजिएगा। अगला है, देश में कौन 3 वर्ष की अवधि की योजना अवकाश के रूप में मनाया गया? जी हाँ, इसे हम अनवरत योजना के नाम से जानते हैं, योजना अवकाश। यहाँ पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, उस समय पाकिस्तान से युद्ध भी हो गया था, पाकिस्तान फिर उसके पहले बांग्लादेश, तो इस वजह से यहाँ पर सरकारी एक एक साल की जो योजना आयोग 5 साल का होता है, तो यहाँ पर एक एक साल के लिए योजनाएं बनी थी, जिसे हम योजना अवकाश या अनवरत योजना या योजना अवकाश के नाम से हम इसे जानते हैं। एक एक साल के लिए यहाँ पे प्लान किया जा रहा था। अगला है, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ पर हुआ? ब्रिटेन का हुआ। अगर लिखित की बात करता तब आपको यूएसए हो जाता, ठीक है। यहाँ पे अलिखित है, यहाँ पे क्या अलिखित संविधान है ब्रिटेन में। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? ऐसा राज्य जिसका अपना कोई धर्म ना हो उसे हम धर्मनिरपेक्ष राज्य की श्रेणी में रखते हैं। समाज की तुलना में राज्य क्रियाशीलता की परिधि है अधिक व्यापक है, कैसी है? अधिक व्यापक है। महत्वपूर्ण विधान पर जनता की राय जानने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? जनमत संग्रह। कौन सी विधि? जनमत संग्रह विधि अपनाई जाती है। किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है, बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? ये परीक्षा में सवाल आते हैं, लोग गलती कर जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अरस्तु। क्या होगा? अरस्तु। प्रभुसत्ता के बहु सिद्धांत में किस पर जोर दिया गया है? संघ अर्थात एसोसिएशन को यहाँ पे जोर दिया गया है। राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम महिला फिल्म स्टार कौन थी? नरगिस दत्त थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, राज्यसभा में कितने लोग को राष्ट्रपति नामित कर सकता है? तो 12 लोग को। कितने लोग को? 12 लोग को। कहाँ पर? राज्यसभा में, ठीक है। यह भी आप लोग को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग विविध के महत्वपूर्ण करंट को सीरीज को पढ़ लिया। चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट रख लें, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी। टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, क्लास खत्म होने के बाद जब इस वीडियो को देख लेंगे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और जब पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है आपके लिए, डेली अपडेट के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ने के लिए जैसे इस लिंक पर क्लिक करेंगे आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। फेसबुक से जुड़ने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे फेसबुक से, इंस्टाग्राम के लिए यहाँ क्लिक करिए और ट्विटर के लिए यहाँ करिए और ट्विटर के लिए यहाँ, यूट्यूब चैनल के लिए यहाँ करिए। और आप सभी ने अगर इसको शेयर कर दिया है अपने सभी साथी मित्रों को पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स यू, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। तो ये सरकारी शिक्षक बनने की जो आपके लिए पहल चल रही है, प्रतिदिन सुबह 6 बजे, तो 6 बजे आपके लिए पहली वीडियो आ जाती है इलनी विद दुर्गेश पर। उसके बाद शाम के 7 बजे गणित की सीरीज देखना ना भूलिएगा, गणित शाम के 7 बजे मैथ की सीरीज चलती है, ठीक है। 8 बजे साइंस है, 8 बजे कौन सी सीरीज है आपके लिए? साइंस की सीरीज है। 9:30 बजे जीवन कौशल की सीरीज है, ठीक है। और 4 बजे अगर शाम की बात करें, 4 बजे तो संस्कृत है, कौन सी है? संस्कृत है। इसके अलावा भी और क्लासेज हैं जिसकी लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। सुबह के 7 बजे अगर हम बात करें, सुबह की 7 बजे की बात करें तो आपको हिंदी मिल जाती है, ठीक है। इस तरह क्रमवार करके पूरे दिन आपको इलनी विद दुर्गेश पर क्लास मिलती है। इसका शेड्यूल आप नोट कर लीजिएगा, आप लोग अलार्म लगा के रखिएगा। इस सभी की लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम ऐप पे जुड़े रहिएगा, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को सभी साथी मित्र को शेयर करिएगा। ये क्लास
चाहे जैसे भी देखें, चाहे जितनी बार देख लें, और ऐप पर जाइएगा तो क्रमवार रूप से आपको एक ही जगह मिल जाएगा। उसके लिए प्ले स्टोर से लेनी बिद्रगे इसका ऐप भी इंस्टॉल करके रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, थैंक यू।